Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 9th science chapter 7 diversity in living organisms. So previous lecture में हमने classification देखा था animal जितने भी आपका kingdom के अंतर्गत जितने भी आपका 5 जो जगत हैं उनका क्या देखा था, हम लोग classification देखे थे, ठीक है. So classification के अंतर्गत आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक. प्लांटी देख रहे हैं हम लोग. प्लांटी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक नाम से क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रिप्टो गेम्स भी बोलते हैं, ठीक है. जिम्नोस्पर्म को और क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिप्टो गेम्स. द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स. जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, ठीक है. मतलब जिम्नोस्पर्म नाम से ही पता चल रहा है, जिम्नो मतलब क्या होता है हमारा, नेक्ड, ठीक, और आपका स्पर्म मतलब सीड, मतलब जो नेक्ड सीड इसके अंतर्गत जो है आपका पाए जाएंगे, ठीक है. मतलब इस प्लांट में, इस ग्रुप के जो भी प्लांट्स होंगे उसमें आपका क्या होगा, जो भी उसका सीड्स या फिर बीज होगा वह क्या होगा, नेक्ड होगा, ठीक. एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं हम लोग, कौन सा आएगा आपका, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, इसका जो सीड होता है वह क्या होता है, नेक्ड होता है, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल में देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक, इसका सीड क्या है, नेक्ड है, ठीक. दे आर यूजुअली पेरिनियल्स होते हैं, ठीक. ये क्या है, पेरिनियल्स मतलब ये बहुत सालों तक जो होता है आपका, इसका लाइफ स्पेन होता है. जो भी आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत प्लांट आते हैं वहाँ क्या होते हैं, पेरिनियल्स. एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन मतलब हमेशा सदा बहार, और क्या होते हैं, वुडी होते हैं, ठीक. इसका जो भाग होता है, दाना होता है, क्या कास्टी होता है, यानी वुडी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है. एवरग्रीन होता है, पेरिनियल्स होता है, ठीक है. अब इसका जो सीड होता है वह क्या होता है आपका, नेक्ड होता है, ठीक. जो भी आपका इस ग्रुप के अंतर्गत प्लांट्स आते हैं वह साइनस और आपका साइकस और पाइनस एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं. ये हमारा पाइनल का आपका क्या प्लांट है, जिसके अंतर्गत हमारे ये बीज जो है इस प्रकार से, नेक्ड बीज हमें इस प्रकार से दिखाई देंगे, जिसमें आपका कोटेड यानी कवर यानी कवरिंग जो रहता है, हार्ड सेट का जो कवरिंग होता है वह क्या होता है, नहीं रहता है इसमें, ठीक है, नेक्ड होता है. इस प्रकार साइकस का भी डायग्राम देख सकते हैं, इसका भी आपका साइकस का ट्री है इस प्रकार से, इसमें लीफ जो होते हैं निकले होते हैं, इसका भी जो सीड होता है वह क्या होता है, नेक्ड होता है. और इसका ये प्लांट पेरिनियल होता है, एवरग्रीन होता है, और वुडी होता है, ठीक. हम लोग देखें जिम्नोस्पर्म, ठीक. बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म को हम लोग और क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स भी बोलते हैं, ठीक. द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर कवर्ड सीड. और जैसे हम जिम्नोस्पर्म में देखे तो उसका जो सीड कवर था वो नेक्ड था, किसी भी प्रकार से प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं था. लेकिन एंजियोस्पर्म में जो है, इसमें इस ग्रुप के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आएंगे उसका जो सीड होगा, उसका जो बीज होगा, वह क्या होगा, कवर्ड होगा, कवर्ड बियरिंग होगा, ठीक है. यहाँ भी आपका एनजीओ मतलब मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन सीड, मतलब सीड्स जो है आपका पूरा कवरिंग या फिर कवर्ड रहेगा, ठीक, प्रोटेक्टिव लेयर से जो है कवर्ड रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं आपका, एंजियोस्पर्म. एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मीन बीज, मतलब कवर्ड सीड, ठीक. दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. एंजियोस्पर्म में जितने भी आते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या आते हैं हमारे, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं. द प्लांट एम्ब्रियो इन द सीड हैव कॉटिलेडंस. और इस प्लांट के अंतर्गत जो आपका एम्ब्रियो का जो सीड होगा वह क्या होगा आपका, कॉटिलेडंस होगा, ठीक. एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. जो एंजियोस्पर्म है उसका जो आपको बेसिकली इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन, ठीक, मतलब नंबर ऑफ कॉटिलेडंस के बेस पर आपका दो इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है. एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उसको, प्लांट विथ सीड हैविंग सिंगल कॉटिलेडंस आर कॉल्ड मोनोकॉट. कॉटिलेडंस मतलब जो उसका सीड का बीज का भाग डिवाइड होने वाला भाग होता है या फिर नॉन डिवाइडिंग भाग होता है. मोनोकॉट मतलब वह उसका जो सीड होगा वह एक ही रहेगा, बीज से डिवाइड नहीं होगा, दैट इज़ अ मोनोकॉट, ठीक है. इसके अंतर्गत जो भी आपका सीड आएगा, ठीक, वह क्या होगा, सिंगल कॉटिलेडंस होगा, सिंगल कॉटिलेडंस होगा, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक, कॉट मतलब उसका कवरिंग, ठीक.
एग्जाम्पल के रूप में हम राइस देख सकते हैं, राइस जो रहता है वह सिंगल ही होता है, उसके बीच से आप हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वीट जो होता है वह भी आपका मोनोकॉट होता है, मैच जो होता है आपका यह भी मोनोकॉट होता है, ठीक है, एटसेट्रा, यह सब क्या है आपका मोनोकॉट। और हम अब डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में जैसे कि ग्रीन ग्राम से जैसे चना हो गया, तो चना के बीच से अगर छिलका को निकालेंगे बीच से क्या हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। मटर को भी हम लोग उसके छिलका को निकालेंगे तो वह भी आपका दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो भाग जो बीच से डिवाइड हो जाता है, जो भी आपका सीड होता है वह क्या कहलाता है आपका डाइकॉट, डाई मतलब दो, दो भागों में डिवाइड होना, मोनोकॉट, मोनो मतलब सिंगल, जो कि राइस जो रहता है, चावल जो रहता है वह सिंगल ही रहता है, उसके बीच से डिवाइड हम लोग उसको नहीं कर सकते। वीट जो रहेगा उसको भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगल कॉटिलीडेंस कॉल्ड मोनोकॉट, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं इसमें वीट एटसेट्रा, ग्रीन ग्राम, पियर्स, टर्माइट्स, ये क्या है हमारे डाइकॉट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। प्लांट विद सीड हैविंग टू कॉटिलीडेंस, इसमें टू कॉटिलीडेंस जिसमें पाए जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या है दो कॉटिलीडेंस है, इस प्रकार से जब बीच से कोई जो ये चीज़ डिवाइड होगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका डाइकॉट, ठीक है। टू कॉटिलीडेंस के दो थ्रू यह क्या होगा आपका डिवाइड होगा, ठीक, इसका जो सीड होगा वहाँ। एग्जाम्पल को हम ग्रीन ग्राम दे सकते हैं हम लोग, हरा जो चना होता है वह मटर होता है वह, ठीक है, और क्या आपका टेमेरिन जो रहता है, ये सब सभी केस के एग्जाम्पल है आपका डाइकॉट के। इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा कॉटिलीडेंस इस प्रकार से डिवाइड है, आपका एपिकोटाइल होता है सबसे बाहरी जो रीजन रहता है वह, आपका हाइपोकोटाइल होता है अंदर वाला जो रीजन होता है वह, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड रहता है। जैसे कि हम चना के चना में भी देख सकते हैं फॉलिकल्स रीजन हो गया, इसके रूट्स निकले हैं, ठीक है, यह हाइपोकोटाइल वाला रीजन है, ये सीट कोट होता है यहाँ पे सीट के कवरिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे कॉटिलीडेंस वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। कॉटिलीडेंस मतलब यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो लीफ निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉटिलीडेंस, ठीक। तो इसमें दो होता है आपका कॉटिलीडेंस में, जिसमें डबल पाया जाएगा डाइकॉट होगा, जिसमें सिंगल पाया जाएगा आपका क्या होगा वो मोनोकॉट होगा, ठीक। इसमें आपका सीट कोट देख सकते हैं इस प्रकार से है, इसमें रेडिकल वाला रीजन्स है, ये हाइपोकोटाइल है, इसमें रूट वाला रीजन्स है, इसमें फर्स्ट लीफ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से बना रहता है, यहाँ पे फर्स्ट लीफ यहाँ पे इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका कॉलियोप्टेलिक है, एपिकोटाइल है, एपी मतलब बाहरी का जो भी रीजन रहता है, जैसे हम आपका धान का देख सकते हैं, धान या फिर ये आपका राइस है, ठीक है, धान में इस प्रकार से उसका सीड का जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होते होते वह क्या करेगा इस प्रकार से आपका आपका प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग अगर देखें आपका चना में या फिर ग्राम में, तो उसका भी डेवलपमेंट जो है आपका रेडिकल्स रीजन से रूट रीजन में इस प्रकार से डिवाइड होगा, कोटाइल आपका एपिकोटाइल इस प्रकार का फॉर्मेशन करेगा और फर्स्ट लीफ का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये आपका मोनोकॉट या फिर इसको आपका सिंगल कॉटिलीडेंस देख सकते हैं, इसी जिस बीच से डिवाइड नहीं हुआ है, डाइकॉट या फिर आपका टू कॉटिलीडेंस इसमें है बीच इस प्रकार से क्या हो गया है डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये हमारे क्या है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेनेरोगैम्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बीज में क्या है कवरिंग रहेगा, सीट क्या रहेगा कवर्ड रहेगा इसका, और जो हम लोग जिम्नोस्पर्म में देखे थे उसका सीट नेक्ड था, उसमें क्या सीट का कवरिंग नहीं था, ठीक है। ये इसका बेसिक डिफरेंसेस है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखें तो बेसिकली अगर हम लोग प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे, तो प्लांट्स को अगर क्लासीफाई करें तो इसमें आपका फर्स्ट क्या होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा डू नॉट हैव डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स। थैलोफाइटा के का जो वो आपका के अंदर का जितने भी मतलब थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर का जितने भी प्लांट्स आएंगे उसका जो बॉडी पार्ट्स होगा वह डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं होगा, एक ही में क्या होता है आपका अल्टरनेट अटैच्ड रहेगा, ठीक है, अलग अलग मतलब डिफरेंशिएट नहीं होगा उसको बॉडी पार्ट्स जो रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे थैलोफाइटा, ठीक है। उसके बाद एक है हमारा हैव डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स, और दूसरा जो आपका प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है वह दूसरा है हमारा जिसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स रहेगा उसका बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट या अलग अलग हो जाएगा, लीफ रूट स्टेम इस प्रकार से, फ्रूट इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स, ठीक। इसमें आपका डू नॉट डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक। यहाँ पे देखते हैं जिसका बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट होता है प्लांट में उसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा आपका ब्रायोफाइटा, इसका जो बॉडी पार्ट है वह क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका रूट स्टेम लीफ में इस प्रकार से अलग अलग, ठीक। इसमें आपका विदाउट वेस्कुलर टिशू, इसके अंतर्गत क्या है आपका वेस्कुलर टिशू जाइलम और फ्लोएम आते हैं वो जो इसमें क्या होगा एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही हम यहाँ पे देख सकते हैं विथ वेस्कुलर टिशू, इसमें क्या आपका वेस्कुलर जो टिशू है जो कि आपका ट्रांसपोर्टिंग संवहन का जो काम करता है,
ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम में आपका संवहन का, या फिर आपका फूड न्यूट्रिशंस वाटर आपका मिनरल्स को आपका प्लांट के ऑल बॉडी पार्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन या सर्कुलेट करने का काम, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो करता है वैस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू होता है, ठीक है। इसको अगर क्लासिफाई करें हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज वाले आपका डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स वाले प्लांट में, तो हम लोग अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें आपका डू नॉट प्रोड्यूस सीड, इसमें क्या होता है जो सीड है वह क्या होता है प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमारा जो सीड जो है आपका इस वाले रीजन में क्या होगा आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, विथ वैस्कुलर टिश्यू जिसमें होगा उसमें आपका क्या होगा डू नॉट प्रोड्यूस सीड, इसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं। और क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो आएगा वह है आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उसमें आपका सीड प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। अब इसी के अंतर्गत हम लोग वैस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत हम लोग देखें तो प्रोड्यूस सीड, इसमें क्या होगा सीड प्रोड्यूस होगा, बीज का फॉर्मेशन इसमें होगा, सीड का फॉर्मेशन इसमें होगा, ठीक है, प्रोड्यूस सीड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेनेरोगेम्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स के अंतर्गत हम इसको क्लासीफाई करें बियर नेक्ड सीड, जिसमें आपका सीड कोट या सीड का जो कवरिंग होता है वह क्या नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग फेनेरोगेम्स के अंतर्गत आपका जो प्रोड्यूस सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इसमें क्या होता है नेक्ड बियर वाले सीड प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अभी हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म, जिसका सीड जो होता है वह प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं रहता है नेक्ड रहता है, ठीक। बात करें कवरिंग सीड वाले प्लांट की, जिसको हम लोग क्या बोले एंजियोस्पर्म, ठीक, एंजियोस्पर्म बोले तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा इसमें क्या होगा वन कॉटिलीडेंस होगा जिसको हम लोग मोनोकॉट बोले, और टू कॉटिलीडेंस होगा जिसको हम लोग डाईकॉट बोले, ठीक है। मतलब मोनोकॉट और डाईकॉट जो सीट का वो है कि इसमें मोनोकॉट मतलब सिंगल, वह क्या होगा बीच से दो भाग में डिवाइड नहीं होगा, इसमें एक ही आपका जो सीट जब जर्मिनेशन होता है तो जो सबसे पहला जो आपका ग्रीन वाला लीफ निकलता है छोटा सा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉटिलीडेंस, तो आपका जो मोनोकॉट होगा उसमें सिंगल निकलेगा, ठीक है, सिंगल कॉटिलीडेंस। लेकिन एंजियोस्पर्म जो रहेगा उसमें टू इस प्रकार से दो छोटे छोटे गोल गोल जो है आपका ग्रीन लीफ के फॉर्म में सीट के जस्ट ऊपर सीट जर्मिनेट होगा, नीचे में आपका रूट सिस्टम होगा, तो रूट सिस्टम में क्या होगा हमारा एंजियोस्पर्म जो है इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग टू कॉटिलीडेंस या फिर डाईकॉट बोलते हैं, डाई मतलब दो, ठीक, डाईकॉट मतलब दो, उसमें कॉटिलीडेंस निकलेंगे, मोनोकॉट मोनो मतलब सिंगल, सिंगल कॉटिलीडेंस निकलेंगे इसीलिए मोनोकॉट बोलते हैं, इसमें डाई मतलब दो जब कॉटिलीडेंस निकलेंगे तो इसको डाईकॉट बोलते हैं, ठीक है। जब डाईकॉट होगा अब टू कॉटिलीडेंस होगा तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आएगा, उसका बीज जो रहेगा आपका कवरिंग रहेगा कवर्ड रहेगा, और आपका जो आपका वन कॉटिलीडेंस है मोनोकॉट है, ठीक है, वो क्या होगा आपका सिंगल आपका उसका कॉटिलीडेंस होगा, ठीक है। ये हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इसमें इस आपका सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखें तो इसमें हम सबसे पहला इसका आप किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंतर्गत जो होता है बहुत सारे आपका हायर वर्टिब्रेट्स आते हैं, लाइक हम लोग भी ह्यूमंस भी एनिमेलिया के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू 10 ग्रुप्स, एनिमल को बेसिकली जो है आपका 10 ग्रुप्स में आपका डिवाइड किया गया है, दे आर पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा एंड लास्ट वर्टिब्रेटा, ठीक है, 10 जो है आपका इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम देखते हैं पोरिफेरा, तो पोरिफेरा के अंतर्गत सारे क्या जैसे स्पॉन्जेस आते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, मॉर्फोलॉजिकल देखें तो क्या होता है स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जेस, ठीक। दे आर एक्वाटिक नॉन मोटाइल एनिमल अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट, यह क्या है पोरिफेरा के अंतर्गत जो स्पॉन्जेस हैं वह क्या एक्वाटिक है और नॉन मोटाइल है एनिमल्स हैं, जो किससे अटैच रहते हैं कुछ सॉलिड जो भी पत्थर या फिर जो भी आपका नीचे में मटेरियल रहेगा पत्थर या चट्टान से क्या रहता है या अटैच्ड रहेगा, ठीक है, और क्या होता है नॉन मोटाइल होता है, सॉलिड सपोर्ट से क्या रहता है या अटैच्ड रहता है, और ये क्या होते हैं टोटली एक्वाटिक होते हैं, आपका जितने भी आपका महासागर या फिर आपका सागर में यह जो है आपका हमको दिखाई देंगे सीन और आपका ओशीन में, ठीक है।
जितने भी परिफेरल कंटैक्ट स्पॉन्जेस आते हैं वहाँ, ठीक है, दे हैव पोर ऑल ओवर द बॉडी फॉर्मिंग अ कैनाल सिस्टम। और इसका जो बॉडी होता है वह क्या होता है, कैनाल यानी एक नली के समान स्ट्रक्चर के थ्रू जो होता है आपका ऊपर में हेड वाले रीजन में सबसे ऊपर में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो कि इसका बॉडी का फॉर्मेशन कैनाल सिस्टम के जैसा होता है, ठीक है, जिसमें पोर्स ऑल बॉडी पार्ट्स का सभी बॉडी पार्ट्स जो छोटे छोटे रंध्र या फिर पोर पाए जाते हैं, इसके थ्रू ही वह आपका सारा वाइटल एक्टिविटीज करता है, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सारा प्रोसेस किसके थ्रू करता है वह, जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स में पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कैनाल सिस्टम होता है बीचों बीच और साइड में छोटा छोटा पोर पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाला रीजन होता है, ठीक है, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक। बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे फॉर्मिंग कैनाल सिस्टम विच हेल्प द सर्कुलेट वाटर एंड ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, और जो कैनाल सिस्टम होता है, जो फॉर्मेशन होता है आपका पॉरीफेरा में, जो भी स्पॉन्जेस होते हैं उसमें, तो जो आपका कैनाल सिस्टम है उसके थ्रू जो है बेसिकली आपका वाटर का सर्कुलेशन होता है और सारे फूड और ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन उसी के थ्रू होता है, ठीक है, इसके थ्रू कैनाल सिस्टम, ठीक है। दे हैव अ हार्ड आउटर स्केलेटन एंड डू नॉट हैव एनी टिश्यूज। इसमें जो होता है आपका हार्ड आउटर स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, हार्ड आउटर स्केलेटन होता है और इसमें कोई भी टिश्यूज जो होते हैं इसमें नहीं होते हैं, ठीक, डू नॉट हैव एनी टिश्यूज, हैव अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसका आउटर स्केलेटन हार्ड रहता है, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में अगर बेसिकली देखा जाए तो स्पॉन्जिला देख सकते हैं हम लोग, स्पॉन्जे से अभी पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है, साइकॉन हो गया और आपका यूप्लेक्टेला, फिर यूप्लेक्टेलिया, यह क्या है आपका स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आप लोग हायर क्लास में अच्छे से बेसिक से आपका डील करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से, स्पॉन्जिला, साइकॉन और यूप्लेक्टेला, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं स्पॉन्जिला एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, जो भी आपका हार्ड मटेरियल या फिर जो भी पत्थर चट्टान से इस प्रकार से क्या रहते हैं यहाँ अटैच रहते हैं इस प्रकार से, और स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं पोर्स पाए जाते हैं, उसी के थ्रू वाटर जो है आपका इन एंड आउट होता है और उसी से आपका फूड सप्लीमेंट का आपका वाटर से आपका इनसाइड द स्पॉन्जेस जो है आपका जाता है, इन एंड आउट का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। ऊपर सबसे भाग में आपका ऑस्टिया वाला रीजन होता है, ठीक, जो कि ऊपर ओपन होता है, ये भी है हमारा स्पॉन्जेस, ठीक। बात करें सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा के बाद आता है हमारा सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा का अगर बॉडी पार्ट बेसिकली देखा जाए तो यह भी आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, पोरीफेरा है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सिलेंट्रेटा है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स। जो सिलेंट्रेटा है वह भी क्या है, टोटली एक्वाटिक है, जो कि आपका सी या आपका ओशन में हमें देखने को मिलेगा। दे आर कैविटी इन द बॉडी, इसमें क्या बॉडी कैविटी पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलोम, ठीक है, मतलब बॉडी के बीच में आपका एक कैविटी या फिर एक प्रकार का स्पेस पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलोम, बॉडी कैविटी या ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज सिलोम, ठीक। द बॉडी हैज़ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, अब इसके बॉडी में बेसिकली दो यानी टू लेयर्स के जो आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे, एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर, एक आउटर लेयर होगा और एक इनर लेयर होगा, ठीक, टू लेयर्स में डिवाइड होगा इसका बॉडी। अगर पार्ट को बेसिकली लेयर को देखा जाए तो सम लिव इन कॉलोनीज, और जितने भी आपका सिलेंट्रेटा होते हैं वहाँ के कॉलोनीज में या फिर ग्रुप में या फिर गुच्छे बनाकर जो है एक जगह जो है आपका लिव रहते हैं, उसका हैबिटेट जो होता है कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, सम लाइव इन कॉलोनीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरल्स भी बोलते हैं, जो कॉलोनीज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं कोरल्स, एंड अदर आर सिंगल, और कुछ जो रहते हैं वह सिंगल भी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, ठीक, क्या क्या कोरल्स देख सकते हैं हम लोग, हाइड्रा जो रहता है वह भी कॉलोनी बनाकर रहता है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन हो गया, ठीक, ये सारे जो है आपका आपका हायर आपका जो भी क्लासेस होगा उसमें एक एक का जो है आपका बेसिक से आपका स्टडी डीपली स्टडी किया जाएगा, ठीक, कोरल्स का, हाइड्रा, जेलीफिश और आपका एनिमोन जो कि सिलेंट्रेटा का आपका के अंतर्गत आते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम में भी इस प्रकार देख सकते हैं, सी एनिमोन इस प्रकार से होगा, यह भी आपका मेराइन होगा, जेलीफिश यह भी मेराइन होगा, कोरल्स जो रहते हैं यह भी आपका आपका जो वाट आपका जो
मेराइन में या फिर समुद्र व्यवसायन में सबसे नीचे तल पर जो होता है हार्ड वाला जो भी सपोर्टिव रहता है, पत्थर लकड़ी या फिर जो भी चीज़ रहता है उससे क्या रहता है, अटैच रहता है और पानी में मूवमेंट करता रहता है, और उसी के थ्रू इसका सारा वाइटल एक्टिविटीज होता है मूवमेंट के थ्रू, ठीक, जो कि आपका वाटर के मूवमेंट के ऊपर यह इसका जो बॉडी पार्ट होता है यह भी मूवमेंट करता है, ठीक है। थैंक यू।